गाइस आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 15 डेज स्किन वाइटनिंग और लाइटनिंग चैलेंज। ये आपकी स्किन को नेचुरली निखारेगा। आपका कलर चाहे जो भी हो, ठीक है, सब अच्छे कलर्स होते हैं, चाहे हमारा डस्की है, चाहे डार्क है या फेयर है, लेकिन स्किन हमारी एकदम साफ होनी चाहिए। तो आज का मेरा ये बेहतरीन रेमेडी आपकी स्किन को एकदम साफ कर देगा। अगर आपकी स्किन पर झाइयों के मार्क्स हैं तो वो दूर हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, पिंपल्स हैं या पिंपल्स के मार्क्स हैं, या फिर कितना भी आपकी स्किन पर डलनेस आ चुकी है, पिगमेंटेशन है, सनबर्न आ चुका है, तो उसे काली परत को बहुत अच्छे तरीके से उतार देगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये केमिकल फ्री है, क्योंकि हम मार्केट में जब ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो केमिकल युक्त होते हैं, और जब हम केमिकल अपने फेस पे लगाते हैं तो दो दिन के लिए चेहरा बहुत चमकता है, लेकिन अल्टीमेटली चौथे दिन आकर आपका चेहरा बहुत ही खराब दिखने लगता है, क्योंकि केमिकल आपकी स्किन में जाएगा तो बट ऑब्वियसली आपकी स्किन को डैमेज करेगा, है ना, आपकी स्किन के जितने भी टिश्यूज हैं उनको खराब करता है। तो ये आपके किचन में इजीली अवेलेबल है, कोई झंझटबाजी नहीं। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या आप लेजी भी हैं बहुत ज्यादा, अपनी स्किन केयर नहीं भी करना चाहते, तो आज का मेरा रेमेडी आप भी फॉलो करने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आपको रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन देगा और साथ में ज्यादा इंग्रेडिएंट की भी जरूरत नहीं। तो फटाफट से बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अंदर से नेक्स्ट टाइम कुछ और बेहतर लाने के लिए, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, @ishamehra मेरा अकाउंट है, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। इस 15 डेज स्किन वाइटनिंग चैलेंज के लिए आपको सबसे पहले लेना है खाली बाउल, उसमें डालना है आपको 6 आलमंड्स, बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, ये स्पेसिफिक 15 डेज चैलेंज जो न्यूली वेडेड है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी एज 15 इयर्स की है या फिर 10 इयर्स की है तो भी आप अपने बच्चे के फेस पर इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो आपके फेस से सारी डलनेस को, सारे एजिंग साइंस को दूर करेगा और आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा ब्राइटन करके लाइटन करेगा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अलसी। अब इसको हम पूरी रात के लिए भिगो कर रखेंगे, लेकिन किस चीज़ में, दूध में, पानी में नहीं, क्योंकि दूध हमारी स्किन को नेचुरली क्लीन करता है, आपकी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच कच्चा दूध लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ओवरनाइट के लिए एज इट इज छोड़ देंगे। जब आप इसको मॉर्निंग में देखेंगे तो अलसी बिल्कुल फूल चुकी होगी और बादाम भी बिल्कुल अच्छे से फूल चुके होंगे। फूलने के बाद ये बिल्कुल लेस जैसे हो गए होंगे, और वो जो लेस इसमें पैदा होता है वही हमारी स्किन में कोलेजन को बैलेंस करता है। अगर हमारी स्किन में कोलेजन बैलेंस रहता है तो उससे क्या होता है, हमारे स्किन वाइटनिंग सेल्स ऊपर आ जाते हैं और डार्क सेल्स जो होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, तो उससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा जवान और ब्राइट दिखनी शुरू हो जाती है। तो अब इसको ओवरनाइट के लिए मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ, देन हम सुबह इसको देखते हैं कि कैसे हो रखे होंगे। अब आप देख सकते हैं अलसी बिल्कुल फूल चुकी है, ठीक है, और इसमें से मैंने बादामों को निकाल कर छील लिया है, बादाम भी ओवरनाइट में बिल्कुल फूल चुके थे तो ये मैंने इनको छील लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन आलमंड्स को और अलसी को बहुत अच्छे से हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसका हमें पेस्ट बना लेना है, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पेस्ट बनाने के लिए अगर दूध की रिक्वायरमेंट होगी तो आपने दूध ही डालना है, पानी और रोज़ वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़े से दूध का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इस जार में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी, ये दूध इनफ है इनको ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि हम इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और ये बिल्कुल जेली फॉर्म में बन गया है, ठीक है, एकदम चिपचिपा सा जेल बन गया है। यही चिपचिपा जेल जो है ना वो आपके स्किन को इतना अच्छा इफेक्ट देने वाला है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। बाहर की कोई भी कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स, फेशियल्स सबके ऊपर ये बहुत ऊपर है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप देख रहे हैं इसकी लेसपन जो इसमें है, यही आपके एजिंग को स्लो डाउन करता है, आपकी स्किन को टाइट करके फॉर्म करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके ओवरऑल स्किन के लिए। तो चलिए मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, आप इसको लगाने का तरीका और इसमें हम 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे, तो आप इसको पूरे प्रोसेस को देखिएगा। अब इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है, ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बादाम रोगन श्रीन। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट आपने स्वीट आलमंड लेना है, आपने हेड वाला फेस पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा कलर को इन्हांस कर देगा, क्योंकि इसमें हम ऑयल भी ऐड कर रहे हैं, इसमें हम डायरेक्टली हमने आलमंड्स भी ऐड करे हैं, तो सोचिए आपकी स्किन कितनी सुंदर और जवान दिखने वाली है।
तो आपको 1 स्पून ऐड करना है। मैं शीशी से अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, आप स्पून का मेजरमेंट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप इसको एक कांच की डब्बी में स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके के कांच की कटोरी में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको 15 से 20 डेज तक इजीली स्टोर करके रखें, इसका कुछ भी खराब नहीं होने वाला। और रात को सोने से पहले अपने चेहरे को पहले अच्छे से फेस वॉश से धो लें। धोने के बाद इस तरीके से अपने फिंगर टिप्स पे आप इसको लें और पूरे अपने फेस पे, नेक पे भी आप इसको जरूर अप्लाई करें। इस तरीके से इसकी मोटी लेयर लगा दें और 10 से 15 मिनट लिए इसको ऐसे ही लगा रहने दें। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो उसका भी एक तरीका है, आपने इस तरीके से अपने फिंगर को अपवर्ड पोजिशन में चलाना है और अपने फेस पर एक फेशियल मसाज देनी है, क्योंकि जब इस तरीके से आप मसाज करके इसको निकालेंगे तो ये आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को भी रिमूव करेगा, आपकी सारी स्किन की डेड लेयर को भी हटाएगा और आपकी स्किन को यंगर लुकिंग बनाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रेशर पॉइंट भी देने हैं, जहाँ जहाँ मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ, सेम इस तरीके से आपने मसाज भी देनी है। मसाज देने से क्या होता है, आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है और आपके चेहरे का एकदम नूर निकल कर आएगा, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं मसाज दे चुकी हूँ, अब इसको मैं ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो गाइस, देखा आपने कि फेस पर कितना बेहतरीन रिजल्ट आया, और चीजें ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करनी, तो आज से ही आप इसको इस्तेमाल करें और अपने चेहरे की रंगत को सुधार लें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।